दोस्तों, आपने तो हवाई अड्डे के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त हवाई अड्डा के बारे में सुना है? यदि नहीं तो आज के इस वीडियो में आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अटलांट हवाई अड्डा है, जो कि दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य केंद्र है, जहाँ अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। 1998 में ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट में बहुत अधिक मात्रा में यात्री यात्रा करने के लिए आए थे, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहा जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी पर सबसे प्रचलित महासागरों की संख्या कुल 5 है, जिसमें से विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे गहरा सागर भी कहते हैं। और आपको बता दें कि प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि इससे हिंद महासागर भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, प्रशांत महासागर की ये रोचक तथ्य आप सभी को कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गधा अश्व परिवार से संबंधित पशु है। 5000 वर्षों से यह दुनिया के विभिन्न देशों में बोझ ढुलाई के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर गधे को दूध के लिए भी पाला जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर गधे के दूध से बनाया जाता है। दोस्तों, गधे बारिश से बिल्कुल नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी खाल जलरोधक नहीं होती है। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है वो बताने वाला हूँ। आज भी बहुत सारे लोगों को ये बात अभी तक पता नहीं है। यदि आप भी ऐसे बातों में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पासपोर्ट एक तरह का कानूनी दस्तावेज होता है, जो विदेश में परिचय पत्र के रूप में काम आता है। वही सो आपको अपने देश से प्राप्त होता है। यह परिचय पत्र विदेश में अपने देश की राष्ट्रीयता को सिद्ध कर सकते हैं, तथा पासपोर्ट विशिष्ट सरकारी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा एक तरह का लिखित दस्तावेज व मोहर होता है, तथा वीज़ा उस देश के लिए दिया जाता है जिस देश में आप जाना व रहना चाहते हैं। वीज़ा को एक निश्चित अवधि तक मान्यता दिया जाता है। इसी निश्चित अवधि के अंदर आप निर्धारित देश में रह सकते हैं, तथा वीज़ा को सरकारी दूतावास द्वारा जारी किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी को अब पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर क्या है मालूम हो गया होगा।